दो स्तुतियाँ हैं, दो प्रार्थनाएँ हैं, एक नमामि ईशान निर्वाण रूपम, एक भाव शिव को लेके, और दूसरी जटाटवीठ। आप देखें कि दोनों संस्कृत में हैं और दोनों के भाव लगभग एक ही हैं, पूजा आराधना। स्तुतियाँ दोनों हैं, पर जो नमामि शमीशान उसके अंतर्गत हम शंकर भगवान को रिझाकर अपने दुखड़े बता रहे हैं कि हमारा दुखड़ा है, दूसरे में शंकर भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। रिझाना और प्रसन्न करने में अंतर है। मेरे शंकर भगवान को एक तरह से प्रसन्न करना है तो तुलसी बाबा ने जो स्तुति नमामि शमीशान लिखा है उसके अंतर्गत भगवान शंकर को रिझाया है। एक साधारण से व्यक्ति पर आप करुणा करिए, ये व्यक्ति साधारण है इस पर करुणा करिए। बार बार महाकाल बाबा को प्रार्थना करी गई, वो रिझ गए, करुणा कर दी। लंकाधिपति रावण भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है कि प्रसन्न होंगे तो मुझे बहुत कुछ दे देंगे। रिझाने में मांगने की परिभाषा नहीं रहती, रिझ जाता है ना व्यक्ति तो केवल दिल नहीं देता, सब कुछ दे देता है। तो वो तो बीज ने हम कई बार अपने अपने प्रवचन में कह देते हैं कि एक लड़की का नाम अपने हाथ पे लड़का लिख लेता है और कहता है देख मैं तुझे इतना चाहता हूं, मैंने तेरा अपने हाथ पर नाम लिखा है, अपने दिल पर नाम लिखा है। हम कहते हैं तूने जब दिल पर नाम लिख दिया, हाथ पर नाम लिख दिया, तो प्रॉपर्टी पर लिख दे। बहुत कठिन है ना, हाथ पर नाम लिखना सरल है, दिल पर नाम लिखना सरल है, पर उस लड़की का प्रॉपर्टी पर नाम लिखना कठिन है। उसी तरह देवदीदे महादेव को रिझाने का एक प्रसंग अलग है और उनको प्रकट करने का प्रसंग अलग।